हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डीके मैथ्स ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज हम फंक्शन है ना के बारे में अच्छे से डिटेल में देखेंगे। वैसे इस पर मैंने डेफिनेशन पहले बता दिया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसको और परफेक्शन तरीके से है ना दिया जा सकता है। तो मैं इस वीडियो में सेपरेटली मैं फंक्शन और उनके टाइप्स के बारे में बताऊंगा पूरे डेफिनेशन एग्जांपल्स के साथ। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखिए। लेट्स स्टार्ट फंक्शन और मैपिंग। ठीक है, तो डेफिनेशन में सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि इससे पहले जो रिलेशन का जो डेफिनेशन बताया गया था, पूरा उनके कॉन्सेप्ट्स को बताया गया था, उसे आप ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, तो फंक्शन एक्चुअल में क्या होता है? एक रिलेशन होता है। मैं पहली बात बता दूँ, फंक्शन इज़ एक्चुअली अ रिलेशन। ठीक है, दो सेट आप लेते हो, दो सेट के बीच में है ना फंक्शन जब आप डिफाइन करते हो ए टू बी में, तो एक्चुअल में एक रिलेशन होता है। लेकिन रिलेशन में कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ और आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, अब वो क्या क्या चीज़ें हैं, जो नई नई चीज़ें हैं जिसको इंक्लूड करना पड़ेगा जिससे वो फंक्शन में तब्दील हो जाए, तो वो देखिए। लेट ए एंड बी बी ए टू एनी नॉन एम्प्टी सेट्स। याद रखिए, सबसे पहले तो आपको दो नॉन एम्प्टी सेट्स लेने हैं। ठीक है, लेट ए एंड बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन रिलेशन फ्रॉम ए टू बी डिनोटेड एज दिस, है ना, रिलेशन है जिसे बिल्कुल इस तरह से डिनोट करेंगे ए टू बी में। इज सेट टू बी फंक्शन और मैपिंग फ्रॉम ए टू बी इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज़ यूनिक इमेज इन बी। यही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज़ यूनिक इमेज इन बी करके। ठीक है, आपने दो नॉन एम्प्टी सेट्स लिए, उनके बीच में आप एक रिलेशन डिफाइन किया। रिलेशन जो भी आपने डिफाइन किया बिल्कुल उसको इस तरह से डिनोट किया जाएगा। ठीक है, और इसे मैं फंक्शन बोलूँगा। कंडीशन ये है, क्या, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ यूनिक इमेज इन बी। याद रखिए, ईच एलिमेंट ऑफ ए बोला है ना, यानी ए के जितने भी एलिमेंट हैं उनका इमेज बी में पड़ना चाहिए, और वो भी इमेजेस क्या होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए। मैं एक चीज़ पहली और बता दूं, जब रिलेशन आप देखते थे तो रिलेशन में पहला वाला सेट जो रहता था है ना, उनके हर एक एलिमेंट जुड़े हों जरूरी नहीं था। लेकिन जब फंक्शन की बात करेंगे तो यहाँ वही इंपॉर्टेंट बात है कि जितने भी एलिमेंट होंगे उस सभी का इमेज उधर मिल रहा होगा। इसका मतलब सिंपल सा बात है कि यहाँ जो डोमेन होगा पूरा सेट ए होगा, है ना, जो उधर जो सेट रहता है सेकंड सेट, उसको तो सीधे सीधे कोडोमेन ही कहा जाता है। अब बात आती है रेंज की, तो रेंज क्या होगा, है ना, जैसे आप रिलेशन के लिए रेंज डिफाइन करते थे सेम वही होगा, है ना, जो इमेजेस आए रहेंगे उनका कलेक्शन, सेट ऑफ इमेजेस, है ना, सेट ऑफ यूनिक इमेजेस, वही क्या कहलाएगा, इस सेट टू बी रेंज सेट ऑफ फंक्शन एफ करके। लाइक जैसे कि ये ए बी सी है, 1 2 3 4 है ना, ये डिफाइन किया है ना, कोई भी फंक्शन डिफाइन है इस तरह से। ठीक है, तो ये फंक्शन है बिकॉज है ना जितने भी एलिमेंट हैं उनके यूनिक इमेज पड़ रहे हैं। यूनिक का मतलब है ना, देखिए इनके लिए इमेज यूनिक है, इनके लिए इमेज यूनिक है, इनके लिए इमेज यूनिक है। ठीक है, तो इसका मतलब ये फंक्शन है। तो हर इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाला सेट का कोई भी एलिमेंट छूटने वाला नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़, जो इमेजेस पड़ेगा वो यूनिक होना चाहिए, कन्फर्म ना। ठीक है, ये ऐसा भी हो सकता है ना, जैसे कि ये भी है, ये भी यूनिक इमेज है यहाँ पर भी, है ना, जितने भी एलिमेंट हैं वो जुड़े हुए हैं। ठीक है, ए का यूनिक इमेज भी, बी और सी, बी की के लिए यूनिक इमेज 2 है, सी के लिए यूनिक इमेज 2 है, ये भी कंफर्म है, फंक्शन ही है ना। लेकिन इस तरह से आप डिफाइन नहीं कर सकते, जैसे 1 2 3 है, ए बी है। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, ये गड़बड़ हो गया है ना, है ना, यहाँ पर 1 के दो अलग अलग इमेजेस आ रहे हैं, यूनिक इमेजेस होना चाहिए भाई, जितने भी एलिमेंट हैं सब के करेस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए, इमेजेस यूनिक होना चाहिए। कंफर्म हुआ, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज़ यूनिक इमेज ऑफ बी, है ना, हैज़ यूनिक इमेज इन बी करके, क्लियर। तो यहाँ अगर हम डोमेन की बात करें तो क्या हुआ, अलग से आप इसको नोट कर सकते हैं, हियर फर्स्ट सेट ए इज कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन एफ, है ना, फर्स्ट सेट ए इज कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन एफ। याद रखना, डोमेन पर फंक्शन को हम डिफाइंड भी कहते हैं, याद रखिए कहने का तरीका है, अ फंक्शन डिफाइंड ऑन डोमेन, जो भी डोमेन रहता है उस पर डिफाइन होता है। ठीक है, तो याद रखिए, हियर ए इज कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन एफ करके, है ना। ठीक है, सेकंड सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन, ये फिक्स रहेगा ना, ध्यान रखिए डोमेन और कोडोमेन जो है फंक्शन के केस में, कोडोमेन ऑफ एफ। ठीक है, तो जो फर्स्ट सेट है उसको हम डोमेन कहते हैं, सेकंड सेट को हम कोडोमेन कहते हैं। ठीक है, और जहाँ जहाँ इमेजेस पड़े थे, सेट ऑफ इमेजेस, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, सेट ऑफ इमेजेस जो होगा वो बी का सबसेट होगा, कोडोमेन का सबसेट होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, कोडोमेन हो सकता है, कन्फर्म। तो याद रखिए, है ना, सेट ऑफ इमेजेस अंडर फंक्शन एफ,
है ना, सेट ऑफ इमेजेस अंडर फंक्शन एफ इज नॉन एज या फिर इज कॉल्ड रेंज ऑफ एफ, ठीक है, या फिर इमेज है ना सेट ऑफ एफ करके, रेंज सेट ऑफ एफ और इमेज सेट ऑफ एफ, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय या डिनोटेड एज, है ना, इसको डिनोट करते हैं रेंज ऑफ एफ, ठीक है, या इमेज ऑफ एफ करके, ठीक है, या फिर एफ ऑफ ए, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ये एफ ऑफ ए करके, याद रखिए फर्स्ट सेट आपका ए है तो ए का जो इमेज है सीधा सीधा एफ ऑफ ए के तौर पे भी शो किया जाता है, ठीक है, तो याद रखिए है ना, सेट ऑफ इमेजेस अंडर फंक्शन एफ इज कॉल्ड रेंज ऑफ एफ और इमेज सेट ऑफ एफ इट इज डिनोटेड बाय दिस और दिस और दिस, ठीक है, तो क्लियरली है ना रेंज जो होगा वो क्या हो जाए, कैसे डिफाइन होगा, ऑब्वियस सी बात है, एफ ऑफ एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू बी सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए करके, है ना, ठीक है, सेट ऑफ इमेजेस ऑब्वियस सी बात है कोडोमेन के अंदर ही होगा ना, तो बी के एलिमेंट्स को ही कलेक्ट करो, सीधी सी बात है, एफ ऑफ इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू बी सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, कन्फर्म है। टाइप्स ऑफ फंक्शन और मैपिंग, ठीक है, स्पेशली कहूँ तो फंडामेंटल टाइप्स ऑफ फंक्शन, यानी जो मेन जो टाइप हैं बेसिकली, है ना, वो हम देखेंगे, ठीक है, तो फंक्शन तो समझ आ गया क्या चीज़ है, ठीक है, उनके डोमेन और रेंज के बारे में हमने समझ लिया, अब टाइप्स को हम अच्छे से क्लियर कर लेते हैं और उनके काउंटिंग्स को भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो टाइप है ना, सबसे पहले तो हम टाइप बताएं, उससे पहले मैं बता देता हूँ, लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स, ठीक है ना, ये मैं पहले ही कंसिडर करके चल रहा हूँ, है ना, सपोज एफ फ्रॉम ए टू बी, है ना, बी एनी फंक्शन, इतना क्लियर हम ये लेकर चल रहे हैं। अब जो भी फंक्शन हमने लिया है फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, अब उनमें कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ हम इंक्लूड करते जाएंगे, फिर उनके टाइप्स मिलता जाएगा। देखिए फर्स्ट जो टाइप है वो है वन वन फंक्शन, ठीक है, तो इनका जो डेफिनेशन है सिंपली अगर हम कहें तो क्या होगा, डेफिनेशन है अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेट टू बी वन वन, ठीक है, याद रखिए वन वन को इंजेक्टिव भी कहा जाता है, वन वन और इंजेक्टिव फंक्शन इफ एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ठीक है ना, हैज डिस्टिंक्ट इमेज इन बी करके, है ना, इफ एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैज डिस्टिंक्ट इमेज इन बी करके, क्लियर हुआ डेफिनेशन, बिल्कुल आसानी से समझ आ रहा होगा, ठीक है, कुल मिला के ये हुआ, दैट इज एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, है ना, ठीक है, नॉट इक्वल टू रहेगा, है ना, तो देयर फोर याद रखिए किसी भी स्टेटमेंट का ड्यूअल स्टेटमेंट होता है, अगर पी इम्प्लाइज क्यू है तो निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी होगा, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू इम्प्लाइज एक्स वन इक्वल टू एक्स टू करके, तो फाइनल डेफिनेशन हुआ, है ना, वन वन फंक्शन का, अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी सेट टू बी वन वन, ठीक है, और इंजेक्टिव इफ एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैज़ डिस्टिंक्ट इमेज इन बी, यानी आप इधर से जो भी अलग अलग एलिमेंट लेंगे उनके इमेजेस भी अलग अलग जाने चाहिए, मतलब आपने अलग अलग एलिमेंट लिया तो इमेजेस भी अलग अलग हैं, इसी का जस्ट अपोजिट फॉर्म है ना, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल एफ ऑफ एक्स टू इम्प्लाइज एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, क्लियर है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर सीधा सीधा डायग्राम बना देता हूँ, ज़्यादा बेटर है, पिक्टोरियल डायग्राम खा जाता ना इसे, ठीक है, अलग से एग्जाम्पल उससे ज़्यादा बेटर होगा कि आप ऐसे ही समझ लीजिए, जैसे वन टू थ्री ए बी सी डी करके ना, और मैंने डिफाइन किया ऐसा 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 कुछ, है ना, ठीक, और ये फंक्शन है क्या, वन वन इंजेक्टिव, है ना, एक सिंपल सा ट्रिक है ना, इधर के जितने भी अलग अलग इमेज मतलब एलिमेंट है उनकी इमेजेस भी अलग अलग है, और अच्छे से देखा जाए तो वन वन, है ना, मतलब एक एलिमेंट एक पर ही इमेज कर रहा है, ठीक है ना, इसलिए तो बोला जाता है इसे वन वन करके, कन्फर्म हुआ, ठीक है। सेकंड है मैनी वन फंक्शन, अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी सेट टू बी मैनी वन इफ देयर एग्जिस्ट टू एलिमेंट्स, ठीक है, जो भी एलिमेंट्स लिया जाता है कहाँ से लिया जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है डोमेन से लिया जाता है ना, है ना, देर एग्जिस्ट एटलीस्ट टू एलिमेंट्स एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू ए, ऑब्वियस सी बात है आपने जो भी एलिमेंट लिया उसको डिस्टिंग्ट लेना, सच दैट
एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, ठीक है, ये यहाँ पर मीनिंग है इसका, अगर आपसे समझ आ जाएगा। देखिए पिक्टोरियल डायग्राम मैं दे रहा हूँ ए बी, है ना, 1 2 3 ए बी सी डी, ठीक है। अब देखिए ऐसा है ना, ऐसा ऐसा इस टाइप से। डेफिनेशन में क्या है, वन वन था तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट इमेज डिस्टिंक्ट पे करना चाहिए, ठीक है, और सीधी सी बात वन वन था। अब यहाँ पर देखिए मैनी वन फंक्शन में, फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी सेट टू बी मैनी वन इफ देयर एग्जिस्ट टू एलिमेंट्स एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू ए वेयर एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू सच दैट एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। मतलब ये हुआ कि कम से कम इसके अंदर दो एलिमेंट ऐसा मिल जाएगा जिनका इमेज एक जगह पर जा रहा है। इसका मतलब आप ठीक है अलग अलग एलिमेंट लिए लेकिन इमेजेस एक ही जगह पर जा रहा है, तो वन वन कहाँ हुआ फिर, कन्फर्म ना, सीधी सी बात कहा जाए तो मैनी वन, ठीक। तो इस तरह से कम दो एलिमेंट ना हो सकते, इससे ज़्यादा एलिमेंट ही हो जो एक जगह पर मैप कर रहा हूँ, क्लियर है, तो मैनी वन हो गया ये, है ना। तो ये हुआ मैनी वन। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है ऑन टू फंक्शन, ठीक है, इसे सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। तो फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी सेट टू बी ऑन टू, ठीक है, इफ डेफिनेशन में यहाँ पर चेंज आ जाएगा, डेफिनेशन होगा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन क्या है बी, हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज, एटलीस्ट वन प्री इमेज इन ए करके, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी सेट टू बी ऑन टू इफ एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज इन डोमेन। मतलब कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं उनका कम से कम इमेज इधर होना ही चाहिए। अब हर एक एलिमेंट का याद रखिए जो डोमेन होता है उनकी विशेषता होती है कि हर एक एलिमेंट की इमेज उधर जा रहा होता है, लेकिन जब फंक्शन ऑन टू बात कर देते हो तो उसमें बताते हैं कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के इमेज मिलना चाहिए, तब कोडोमेन का कोई एलिमेंट छूट ही नहीं रहा है। मतलब ऑब्वियस सी बात है ना, इधर का कोई भी एलिमेंट आपको ऐसा नहीं दिखेगा जो छूट रहा होगा। इस तरह से देखिए ऑन टू फंक्शन है, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ है ना, ठीक है, कोडोमेन हैज़ एटलीस्ट वन प्रीमेज, कम से कम एक प्रीमेज तो रखता है, इसके पास दो प्रीमेज है तो कम से कम एक रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। अगर लेकिन ऐसा हो जाए तो ये ऑन टू नहीं है, ठीक है। ऑन टू होने का मतलब यही होता है कि जो रेंज सेट है वो कोडोमेन के इक्वल हो जाए, यस। तो एक दूसरे रिजल्ट के तौर पर आप ले सकते हो ये, दूसरे डेफिनेशन के तौर पर, ठीक है, क्योंकि हर एक एलिमेंट का प्रीमेज मिल रहा, तो ऑब्वियस सी बात है जो सेट ऑफ इमेजेस जो होगा वो सीधा सीधा कोडोमेन हो गया, यानी कि एफ ऑफ ए इक्वल्स टू बी, क्लियर हुआ, है ना। ऑन टू फंक्शन इज ऑल्सो नॉन ए सर्जेक्टिव फंक्शन, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये मैनी वन हो या वन वन हो उससे कोई वो नहीं, है ना, हो सकता है ऐसा भी हो, इंपॉर्टेंट है इधर के एलिमेंट छूटने नहीं चाहिए, क्लियर हुआ। इसको एक शॉर्टकट ट्रिक के तौर पर भी याद कर लीजिए, याद रख लीजिए, ऑन टू में सबसे स्टार्टिंग की जो लेटर है ओ, है ना, इसको आप जीरो कंसीडर कर लीजिए, जीरो जीरो यानी कुछ नहीं, है ना, नथिंग, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, जस्ट ये समझिए कि कोडोमेन में ऐसा कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, सीधी सी बात, मतलब सभी के सभी एलिमेंट का प्रीमेज मिलना चाहिए। तो जीरो का मतलब समझ लीजिए कि कुछ भी एलिमेंट छूटता नहीं है कोडोमेन से, ठीक है, समझ आए ट्रिक। इसके बाद देखिए फोर्थ पॉइंट इनटू फंक्शन करके, इनटू फंक्शन क्या है, अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी सेट टू बी इनटू फंक्शन, ठीक है, इफ एफ ऑफ ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, दैट इज इफ रेंज ऑफ, है ना, इफ रेंज ऑफ फंक्शन एफ इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। इसका मतलब ये हुआ कि इधर कम से कम एक एलिमेंट छूट रहा होगा, ठीक है, लाइक ये आपका आपका क्या है, इनटू फंक्शन है, समझ आ रहा है ना। अब ये आपका, ये भी आपका इनटू फंक्शन है। तो यहाँ पर भी मैं एक सिंपल सा ट्रिक बता देता हूँ, इनटू में आप इस सबसे स्टार्टिंग में जो है उसको वन कंसीडर कर लीजिए, वन वन का मतलब है, ठीक है, कि कोडोमेन में कम से कम एक एलिमेंट है जो छूट रहा है, ठीक है। ऑन टू में सामने को ओ को जीरो कंसीडर करो, इधर कोई भी एलिमेंट नहीं है जो छूट रहा हो, कन्फर्म। और यहाँ पर इन टू में कम से, ये वन है, वन का मतलब है कम से कम एक एलिमेंट तो छूट रहा होगा, कन्फर्म हुआ एक ट्रिक के तौर पे। तो फाइनली वन वन ऑन टू, और है ना, वन वन मैनी वन ऑन टू इन टू, कन्फर्म हुआ। इनको मिला करके और भी फंक्शंस बहुत सारे टाइप्स क्रिएट हो जाते हैं, जिसमें एक जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है वन वन ऑन टू फंक्शन, जिसे बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। तो उसको आप अलग से नोट कर लीजिए फिफ्थ पॉइंट करके, है ना, इसको मैं नाम दे देता हूँ बाइजेक्टिव फंक्शन करके, ठीक है। तो फाइनली डेफिनेशन क्या होगा इनका, अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी सेट टू बी बाइजेक्टिव, ठीक है, इफ एफ इज वन वन एंड
आन टू करके, ठीक है। याद रखिए वन वन और आन टू जब दोनों होगा तो है ना, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज वन वन करेस्पॉन्डेंस। तो बाइजेक्टिव बोलो, वन वन करेस्पॉन्डेंस बोलो, वन वन आन टू बोलो, इन सबका मतलब एक ही है, क्लियर है। तो फंक्शन वन वन भी होना चाहिए, आन टू भी होना चाहिए। तो इस सिचुएशन में ऑब्वियस सी बात है एफ ऑफ इक्वल टू बी होगा, है ना। और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सभी के सभी वन वन जुड़े होंगे, लाइक वन टू थ्री है, इधर ए बी सी है, है ना, ऐसे ही होगा, ठीक है। क्योंकि हर एक एलिमेंट के इमेज इधर मिलना चाहिए और वन वन होना चाहिए, मतलब वन वन, ठीक है। और आन टू में कोई इमेज छूटने नहीं चाहिए। तो स्पेशल ये होगा जब भी आप ए और बी को फाइनाइट सेट लेंगे ना, तो बोथ हैव सेम कार्डिनलिटी, दोनों की कार्डिनलिटी हमेशा सेम होगा फाइनाइट की सिचुएशन में। इनफाइनाइट लेंगे तब हो सकता है कि, है ना, इनफाइनाइट की सिचुएशन में भी कार्डिनलिटी सेम ही होती है, बट कार्डिनलिटी जो है दो अलग अलग सिचुएशन होता है, एक होता है एल एफ नॉट, है ना, ठीक है, एक होता है कॉन्टिनम। इनके बारे में मैं डिटेल पहले से बता दी हूँ ऑलरेडी, जब सेट थ्योरी पढ़ाया गया था, एलिमेंट्री सेट थ्योरी, है ना, उसके जस्ट बाद मैंने पॉइंट सेट टोपोलॉजी वगैरह भी बताया था, है ना, जो कि प्लेलिस्ट में अवेलेबल है रियल एनालिसिस के अंडर में, ठीक है। तो आप जरूर देखिए अगर नहीं देखें तो, ठीक है। तो फिलहाल अभी कार्डिनलिटी से उतना नहीं, हम फाइनाइट सेट पे बात कर रहे हैं। और जब भी वन वन आन टू की सिचुएशन होगी ना, तो दोनों की कार्डिनलिटी क्या होगी, है ना, फाइनाइट होगी और सेम होगी, क्लियर हुआ। काउंटिंग ऑफ फंक्शंस, ठीक है। लेट एंड बी एनी टू सेट्स सच दैट कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू एम एंड कार्डिनलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू एन, या फिर, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इक्वल्स टू एम एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इक्वल्स टू एन, ठीक है। ऐसा आप कह सकते हो एन ऑफ ए इक्वल्स टू एम, एन ऑफ बी इक्वल्स टू एन करके, ठीक है। काउंटिंग पढ़ रहे हैं ना, याद रखिए, उसके बाद फिर अलग अलग केसेस अलग अलग निकलेगा, चार अलग अलग केसेस। जैसे रिलेशंस के लिए मैंने पढ़ा था टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस होता था, सेम टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ वन वन ऑन टू फंक्शंस, ये चार अलग अलग फार्मूलाज के तौर पर निकलेंगे, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी इक्वल्स टू एन टू द पावर एम, ठीक है, n के पावर में m कीजिए उतने ही फंक्शंस होंगे a टू b में, है ना। इसी तरह से टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस फ्रॉम a टू b इक्वल्स टू n pm, ठीक है, n परम्यूटेशन m, याद रखिए, यानी कि फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस m करके, ठीक है, n pm, ठीक है। और याद रखना परम्यूटेशन में डायरेक्ट ये ऐसा होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस m करके, कन्फर्म, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी अगर कहा जाए तो ये होगा एन सी जीरो एन टू दी पावर एम माइनस एन सी वन एन माइनस वन टू दी पावर एम प्लस एन सी टू एन माइनस टू टू दी पावर एम माइनस एंड सो ऑन, ठीक है। और इसी तरह से माइनस वन पावर आर करते हुए ये होगा, है ना, क्या हो जाएगा, एन सी आर एन माइनस वन पावर आर करके, ठीक है। प्लस माइनस में आगे बढ़ेगा, है ना, ये एन और एम ये जो है फिक्स रहेगा। एक सिंपल से बोलूँ तो यहाँ जीरो तो यहाँ एन माइनस जीरो, वन तो यहाँ एन माइनस वन, टू तो एन माइनस टू, आर तो एन माइनस आर, ऐसे बढ़ेगा, क्लियर। और ये कॉम्बिनेशन है ना, कॉम्बिनेशन के लिए फार्मूला क्या है, एन सी आर इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, ठीक है ना। तो एन सी आर इक्वल्स टू होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर करके, ठीक है। तो इस तरह से हुआ। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ वन वन आन टू फंक्शंस के लिए क्या होगा, उसको फोर्थ पॉइंट के तौर पे नोट कर लीजिए, है ना। फोर्थ पॉइंट है टोटल नंबर ऑफ वन वन आन टू या फिर बाइजेक्टिव फंक्शंस, है ना, फ्रॉम a टू b इक्वल्स टू फैक्टोरियल n, सीधी सी बात, याद रखिए, जब भी वन वन ऑन टू होगा तो कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू सेम हो जाएगा। तो एन मान लिया सीधा सीधा, तो क्या हो जाएगा, कितने होंगे, फैक्टोरियल एन होंगे, ठीक है, जब भी ऐसा बोला जाए तो। अब जितना मैंने चार अलग लिखा है, इन सबसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स लीजिए और एग्जाम्पल्स लेकर के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए, है ना। जैसे मैं सभी का एक एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, आप खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जैसे मैंने लिया कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू, है ना, कार्डिनलिटी का मतलब समझ गया ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, कार्डिनलिटी ऑफ बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, मोटे तौर पे सीधा। जैसे ये है आपका थ्री और ये आपका, है ना, टू है, ठीक है। तो फिर टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस ये कितना हो जाएगा, एन टू दी पावर एम, तो टू टू दी पावर थ्री यानी एट। तो देयर आर टोटल एट फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, है ना, आठ अलग अलग फंक्शंस पॉसिबल हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें जो आठ फंक्शंस हैं, एट फंक्शंस हैं, उस एट में से कितने वन वन होंगे, ठीक, ऑब्वियस ही बात है उसी एट में से वन वन होंगे, तो वन वन कितने होंगे, उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी इक्वल्स टू, तो एन पी एम, तो यहाँ पर होगा
टू पी थ्री, तो फैक्टोरियल टू अपॉन फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले चीज़ तो ये डिफाइन नहीं हो पाएगा, ये डिफाइन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना। इसका मतलब कि देयर इज़ नो एनी वन वन फंक्शन, ठीक है। वन वन और ऑन टू के लिए नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशंस होता है। इन पर मैंने पहले भी वीडियोस बना दिए हैं एलिमेंट्री सेट थ्योरी के, जस्ट है ना, जिसमें कॉन्सेप्ट्स थे जितने भी उन्हें मैंने कवर किया था। आप जो है रियल एनालिसिस में आप देख सकते हैं ना, प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है स्टार्टिंग में, उसमें जरूर देखिए। नेसेसरी कंडीशन होता है कार्डिनलिटी ऑफ ए लेस देन आर इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी फॉर वन वन। आप खुद देखिए ना, आपका कार्डिनलिटी ऑफ है ना ये ए और बी है, आप इसमें ज़्यादा एलिमेंट ले रहे हो, इसमें दो ही एलिमेंट लियो। अब वन वन बनाने की कोशिश करो, सबसे पहले तो फंक्शन होना चाहिए, तो फंक्शन तो सभी एलिमेंट की इमेजेस में मिलना चाहिए। तो जब भी आप करोगे कोशिश तो ये मैनी वन हो जाएगा, और वन वन बनाने की कोशिश करोगे इसे ना तो ये फंक्शन ही नहीं रह जाएगा। तो इस तरह से वन वन पॉसिबल नहीं। वन वन तब पॉसिबल है जब दोनों की कार्डिनलिटी या तो इक्वल हो या तो इसकी कार्डिनलिटी इनसे ज़्यादा हो, ठीक है, याद रखो, सॉरी इनकी कार्डिनलिटी इनसे छोटी हो, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए लेस देन आर इक्वल, यहाँ पर इनकी इनसे ज़्यादा है इसलिए पॉसिबल ही नहीं है वन वन, ठीक है। लेकिन अगर ये टू और ये थ्री होता तब थ्री पी टू होता, और थ्री पी टू में फैक्टोरियल थ्री अपॉन फैक्टोरियल है ना, थ्री माइनस वन और थ्री माइनस टू वन, तो वहाँ पर थ्री अलग अलग फंक्शंस मिल जाते हैं वन वन। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर ये हो गया ज़ीरो। थर्ड, टोटल नंबर ऑफ है ना ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, तो फार्मूला के मुताबिक एन सी ज़ीरो एन टू द पावर एम टू टू द पावर थ्री माइनस एन सी वन है ना टू माइनस वन पावर थ्री प्लस एन सी टू टू माइनस टू, हो गया ना, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, पावर थ्री, क्योंकि ये टू माइनस टू ज़ीरो, आगे जाना ही नहीं ना, नेगेटिव सिचुएशन आ जाएगा। एन सी ज़ीरो वन होता है, एन सी ज़ीरो वन होता है, एन सी एन माइनस वन एन होता है ना, एन सी वन एन होता है, ये बात अच्छे से आपको पता होना चाहिए। तो ये वन हो गया, तो टू क्यूब यानी कि एट, वन क्यूब यानी कि वन, एन सी वन एन होता है, तो एन के जगह में क्या है वो भी तो रखना पड़ेगा है ना, वो है टू, क्लियर है। तो ये होगा टू, टू इंटू वन क्यूब यानी वन, और ये होगा प्लस जीरो, तो फाइनली कितना है सिक्स। दे आर टोटल सिक्स है ना ऑन टू फंक्शंस। अब बात आती वन वन ऑन टू फंक्शन, तो वन वन एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो ऑन टू कहाँ से एग्जिस्ट करेगा, तो वन वन ऑन टू भी जीरो होगा। वन वन ऑन टू के लिए तो कंडीशन है कि सीधा सीधा दोनों के कार्डिनलिटी सेम ही होना चाहिए। अगर इनकी कार्डिनलिटी टू इनकी कार्डिनलिटी थ्री होगा ना तो भी वन वन ऑन टू एक साथ पॉसिबल नहीं है। क्लियर हुआ? तो खुद से भी एग्जाम्पल लीजिए, क्लियर कीजिए, किसी भी तरह से डाउट निकल के सामने आती है बेहिचक भेजिए, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और भी स्टैंडर्ड फंक्शंस बचे हुए हैं है ना, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, और फंक्शन का वही लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है, और उसमें हम डोमेन एंड रेंज है ना वो भी हम कवर करेंगे। मेरी एक्चुअल में कोशिश ये है कि जो इंटरमीडिएट लेवल है ना, वहाँ से लेकर बीएससी एमएससी और जितने भी नेट सेट है ना, पूरे लेवल्स को मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर कवर होगा, मतलब मान के चले रिलेशन फंक्शन जो है तीन लेक्चर्स में कवर हो जाएंगे, उसके बाद में जो कंटिन्यू जो कर रहा था है ना रिंग थ्योरी, उसके बाद से जो पेपर है जैसे लीनियर अलजेब्रा और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो आई होप आज का वीडियो एक्चुअल क्लियर हुआ होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि नए वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।